अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सेट्स. यस, दैट इज डिमॉर्गन्स लॉज. डिमॉर्गन के लॉज हम पढ़ेंगे. डिमॉर्गन के टू लॉज हैं जो कि सेट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी कंसिडर होते हैं. डिमॉर्गन्स के टू लॉज हैं. फर्स्ट लॉ हमें यह कहता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. क्या कहता है कि अगर आप दो सेट्स ले लें, एक ए दूसरा बी, फिर उनके यूनियन लें, उसके यूनियन का फिर आप लें कॉम्प्लीमेंट लें, उसका आंसर आएगा किसके इक्वल कि आप सेट ए का भी अलग कॉम्प्लीमेंट ले लें, सेट बी का भी अलग कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर क्या कर लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें. क्लियर. इसी तरह फिर क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का इंटरसेक्शन करें फिर कॉम्प्लीमेंट लें, उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इन दोनों लॉज को याद रखने का बड़ा आसान तरीका क्या है कि देखिए, अगर यहां पर यूनियन है ए यूनियन बी है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा. यहां पर इंटरसेक्शन होगा, अगर यहां पर इंटरसेक्शन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा. इस तरीके से आप दोनों लॉज को आसानी याद कर सकते हैं. अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों लॉज को वेरीफाई करना है कि आया ये लॉज इक्वल प्रूव होते हैं या नहीं होते, ये ट्रू प्रूव होते हैं या नहीं होते. उसको हम करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए. हमें यूनिवर्सल सेट हमें यू दे दिया 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 10. सेट ए हमें दे दिया है 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है, सारे इवन नंबर्स 10 तक. और सेट बी में हमारे पास ऑड नंबर्स हैं 9 तक, 1, 3, 5, 7, 9. मैंने क्या किया, फर्स्ट लॉ में ले रहा हूँ. मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ डिस्कस करूँगा, सेकेंड आपके लिए असाइनमेंट दूंगा. ठीक है, अब फर्स्ट लॉ मैंने लिया है, मैंने ये उठा के लॉ लिख लिया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब मैं क्या किया, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा के लिखी है मैंने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. क्या मतलब कि पहले यूनियन लेंगे ए और बी का फिर कॉम्प्लीमेंट. मैंने ए और बी का यूनियन ले लिया, ये सेट ए लिखा फिर यूनियन सेट बी लिखा, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बन गया. अब मैंने इसका फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए यूनियन बी, यू डिफरेंस ए यूनियन बी हम करेंगे. तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ पर सेट यू लिखा माइनस फिर ए यूनियन बी उठा के मैंने लिख लिया. देखिए अगर आप हम इनका डिफरेंस लें, ज़रा गौर कीजिएगा, देखिए जीरो तो वहाँ पर नहीं है, जीरो हमने यहाँ पर उठा के लिए, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू 10 यहाँ पर हैं, वहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 10, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, तो हम नहीं लिखेंगे इसको, जस्ट जीरो उठा के हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख लिया. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी बन गया हमारे पास, क्या वो हमारे पास आंसर बन गया, जीरो आंसर बन गया हमारे पास. उसके बाद हम आगे चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ. देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यू माइनस ए, यू लिखा माइनस आपने सेट ए लिखा. आपके पास कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आपके पास क्या बचेगा 0, 1, 3, 5 और इसी तरह अप टू 9 बच जाएगा. फिर आपने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माई डिफरेंस बी, यू लिखा माइनस बी आपने उठा के यहाँ पे लिखा, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या बच जाएगा, 0, 4, 6, 8 बन जाएगा. अब उसके बाद हमने क्या करना है, चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, अब आप क्या करें, इंटरसेक्शन करें इनका. जब आपने इनका इंटरसेक्शन किया, ये सेट लिखा ए कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने लिखा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास इनमें कॉमन सिर्फ जीरो आता है, तो जीरो आपके पास आंसर बच गया. अब ये हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड और वो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. जरा गौर कीजिए ना, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या बन रहा है, जीरो.
ठीक है, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ रहा है, जीरो आंसर आ रहा है। यहाँ से ये बात प्रूव हुई कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए ये बात यहाँ पर वेरीफाई हो गई कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसलिए ये ला हमने ट्रू, हमने प्रूव कर लिया कि ये ला बिल्कुल हम प्रूव कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट ला था। सेकेंड ला क्या है कि एक ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपके लिए टास्क है, आपके लिए असाइनमेंट है। अगर आप इसको समझ चुके हैं देन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पहले ए लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए बी का पहले क्या कर लें इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट ले लें। इसी तरह ए और बी के कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फाइंड हुए मेरे, ठीक है, उनका जस्ट यूनियन ले लें, तो आप देखेंगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने फिर क्या करना है, चेक करना है, अपने क्वेश्चन को रिव्यू करना है, कहीं से गलती तो नहीं कर ली, कहीं ए यूनियन बी या कॉम्प्लीमेंट में या इंटरसेक्शन में किसी चीज़ में गलती तो नहीं कर ली, तो आपने उसको वेरीफाई भी साथ साथ करना है। आई होप आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर ना कर सकें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको ये हेल्पफुल फील हो, आपको हो रहा है, आपको समझ आ रही है, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो फिर हक बनता है हमारा कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।